हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर सेशन और लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस मेडिकल प्रोफेशनल कनाडा जा सकते हैं उनके वीजास के बारे में सारी चीजें सारी हमने डिस्कस की एंड वेलकम है ना वंस अगेन और इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक लेंगे सो आई एम वेलकमिंग यू वंस अगेन हाउ आर यू फास्टरफुल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन आई एम गुड एंड हाउ आर यू आई एम फाइन टू थैंक यू हम डिस्कशन uh, करेंगे हमने देखें uh, uh, वीजा के बारे में पहले डिस्कस किया मेडिकल प्रोफेशनल से सारी चीजें अब हम थोड़ा सा इश्यूज uh, को डिस्कस करेंगे हमारी यूथ है एडल्ट है उनकी स्ट्रगल्स हैं मतलब काफी जगहों पे दिन यू नो दे आर स्टक और वो आगे मूव नहीं कर सकते उनकी ग्रोथ काफी हिंडर हुई है उस बारे में आप थोड़ा सा क्या गाइड करेंगे सबसे पहले मैं यूथ को कहूंगी कि आप खुदाम के साथ uh... बने रहिए क्योंकि जब तक तो खुदा उनका फजल नहीं होता खुदा उनकी हाथ आप पे नहीं है जिंदगी बहुत मुश्किल है और जहां आप रह रहे हैं वहां तो और भी मुश्किल है वहां है है डिस्क्रिमिनेशन है, बुलिंग है हर तरह का प्रॉब्लम आप यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट इट्स सो इजी टू गेट इट दैट लेकिन जिस दुनिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर यह सब नहीं होता तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर दुनिया में निकले तो सबसे पहले आप दुआ में जाइए खुदा के हजूरी में अपने लिए बरकत मांगे अपने कामों को सीधा करें अपने टाइम को जो आपके पास खुदा ने दिन दिया है उस टाइम को अच्छे से यूज करें दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस सेकेंड में आपका जो दिन है उसमें अः मुझे नहीं पता आप जॉब करते हैं पार्ट टाइम है फुल टाइम है बिजनेस मैन है मुझे नहीं पता आपकी लाइफ स्टाइल क्या है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को असेस कीजिए कि आपको जो दिन भर में काम करना होता है वो कैसा काम करते हैं उसमें कितना काम खुदावन के लिए कितना काम आप दुनिया के लिए कर रहे हैं देन माई थर्ड एडवाइस वुड बी कि आप अपनी एजुकेशन को इनहस करें सबसे पहले आपको अगर बाहर निकलना है तो आपको आइल्स आना मस्ट है अगर आपको कोई कहता है कि आइल्स की जरूरत नहीं है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है आप किसी भी वेबसाइट पे कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए गूगल कीजिए वहां पर आपको मिलेगा कि इंग्लिश आइल्स इज मस्ट आइल्स हवा नहीं है मैंने भी किया था बहुत लोग करते हैं उसकी एक टेक्निक है अगर आप उस टेक्निक को समझ जाए और आप डेडिकेटेडली मॉर्निंग एंड नाइट उसको टाइम दें यू कैन डू इट और वो दिनों में हो जाता है उसका एक तरीकाकार है जो मैं आपको बाद में इंडिविजुअल को सिखा सकती हूँ आई डू गिव क्लासेस एज वेल ऑनलाइन तो वो भी मेरी एक एक्सपर्टी है क्योंकि मैंने खुद आइल्स किया है लोगों को सिखाया करवाया तो वो भी मुझे एक मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी है जो हमारे टीन और प्री टीन्स हैं या एडल्ट हैं जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज कर ली हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको पता है कि पढ़ाई कैसे होती है एग्जाम्स कैसे देते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी होती है तो आइल्स को करना जस्ट लाइक अ स्टडी जैसे आपने स्कूल में पढ़ा कॉलेज में पढ़ा अब यूनिवर्सिटी में पढ़ा ऐसे ही ये भी एक स्टडी है लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्टडी है इसके बाद जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो आप वैकैबलरी करें वैकेबलरी में आपकी राइटिंग uh, हो सकता है रीडिंग हो सकता है आपका कम्युनिकेशन आप कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से बात करें जिनको इंग्लिश आती हो या अगर आपके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है आस पड़ोस में माहौल नहीं है या आपकी कम्युनिटी में ही ऐसा कोई इंग्लिश स्पीकिंग माहौल नहीं है तो आप इंग्लिश न्यूज देखें उसकी जो ग्रामर है या उनके जो वर्ड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल बट वेरी प्रोफेशनल वर्ड्स मैंने भी किया था ये। मैं उर्दू मीडियम थी मैंने ग्रेजुएशन तक उर्दू पढ़ी लेकिन मैंने इंग्लिश सीखी क्योंकि मुझे बाहर निकलना था नो मैटर व्हाट तो इंग्लिश सीखने से आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी होगी जब आप बाहर जाएंगे किसी से मिलेंगे बात करेंगे तो उन्हें एक्शन मिलेगा एक्शन मिलेगा कि वाकई ही आप एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर सकते हैं किसी से अगर आपके इंग्लिश में मैं सवाल करूं आप जवाब ही ना दे तो आप कैनेडा कैसे आएंगे दैट्स नॉट पॉसिबल फिर इंग्लिश जब आपने सीख ली पढ़ ली तो आप अपना ब्रिटिश अम्बेसी में जाइए और ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं हर चीज अब ऑनलाइन मिलती है आप वहां देखिए कि वहां पर कौन से दिन एग्जाम्स के एग्जाम हो रहे हैं तो आप उसको रजिस्टर करें आपको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं तैयारी के लिए किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं ये सेल्फ स्टडी है ऑनलाइन स्टडी है आप अपने फोन से अपने लैपटॉप से अपने किसी भी अगर आप लाइब्रेरी जा सकते हैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं इसके लिए कोई आपको स्पेशल इक्विपमेंट um, नहीं चाहिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए वेरी सिंपल इंग्लिश जो वो मांगते हैं आपसे इसमें वो ग्रामर नहीं देख रहे आपकी पंक्चुएशन नहीं देख रहे दे जस्ट वॉन्ट टू नो थ्री फोर थिंग्स वन आपको बोलना आता है इंग्लिश टू आप समझ सकते हैं जैसे हम लिसनिंग कहते हैं थ्री आपको एक पैराग्राफ दे देंगे कॉम्प्रिहेंशन जैसे हम कहते हैं कि क्या आप उसको समझ भी रहे हैं कि वो क्या मांग रहा है आपको क्वेश्चन आंसर उसमें तीन देंगे कि ये पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसके आंसर करें उसमें वो दो चीजें देख रहे हैं कि आपको समझ आया और उसके बाद आपने उसका आंसर दिया दैट मीन यू अंडरस्टैंड एंड यू रिएक्ट ऑन इट थर्ड आपको वो इंटरव्यू करेंगे आखिर में जब वो देखते हैं कि हाँ आपने तीनों एरिया कवर कर लिए हैं फिर आखिर में आपका इंटरव्यू होता है तो जो आपने पहले दिन से सीखा सुना समझा लिखा वो ही सारी चीज आपके इंटरव्यू में होती है तो ये कोई मुश्किल नहीं है आप जॉब के लिए भी इंटरव्यू गए होंगे आपने और भी इंटरव्यूज किए होंगे और अगर आपको बोलना अच्छा लगता है बात करना अच्छा लगता है आप स्पीकर हैं या वैकेबलरी है आपकी आई डोंट थिंक सो के आपके लिए कोई डिफिकल्ट चीज होगी सो आइल्स इज मस्ट नो मैटर वॉट इट इज आपको अगर कैनेडा आना है आप आइल्स की तैयारी कीजिए आइल्स प्रिपेयर करने के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कीजिए डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें सब इंग्लिश में होने चाहिए यहाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं करता और अगर आप यहाँ आके ट्रांसलेशन करेंगे तो उसकी बहुत सारी डॉलर्स में कॉस्ट है सो वी आई थिंक आवर टाइम इज रनिंग आउट मेबी हम आइल्स के ही ऊपर आज यहाँ टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम और मजीद जो प्रॉब्लम्स आपने कहे थे कि यूथ फेस कर रही है उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम टाइम uh, में रहें और टू द पॉइंट हो रेलिवेंट हो और आपको भी अच्छा लगे समझ आए और मेरा भी जो आपको बताना सिखाना है

ज इट यू कवर्ड इट ऑलरेडी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और नेक्स्ट सेशन में हम और काफी टॉपिक्स है इस रिलेटेड जितने भी हैं हम उनको भी कवर करेंगे